हेलो गाइस, क्या हाल आप सबके। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। 2 दिन से हमारे सेशन नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज़ यार शुरू में ही बताया था ऑफिस वर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसी वजह से सेशन नहीं ले पा रहा था। तो चलो, अभी थोड़ा ऑफिस वर्क कम हुआ है तो आज का सेशन ले रहे हैं। फिलहाल फोकस करते हैं आज के सेशन पे, बाकी जितना हो सके यार वीक में उतनी ज़्यादा वीडियोस मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 11th सेशन रहने वाला है। बाकी 10 सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यार उनको ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बनते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी PDFs रेगुलरली आपको मिल रही होगी। अगर कोई डाउट रहता है टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ, या फिर पर्सनली आप मुझसे मैसेज कर दीजिएगा, मैं सीन कर लेता हूँ जब भी फ्री होता हूँ, ठीक है। तो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, स्टडी स्किल सक्सेस नाम से है। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देन आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया कौन सी बीमारी करने वाला जीव है। बार्ली मतलब जौ का सम्मट, गेहूं का सम्मट, राई का इरगोट, या फिर मटर का पाउडरी माइड्यू। पिछला जो सेशन किया था ना फास्ट फास्ट, उसी तरीके से आज का सेशन भी हम करेंगे, तो जल्दी से आंसर कीजिएगा। बताइएगा। पॉक्सिनिया ग्रैमिनीसी, ये गेहूं का सम्मट रोग जो होता है वो पॉक्सिनिया ग्रैमिनीसी से होता है, ग्रैमिनीसी से, ठीक है। ऐसे ही ये होगा, पॉक्सिनिया ग्रैमिनीसी से गेहूं का रस रोग होता है। और इसके अलावा आपका बताया है मटर का पाउडरी मेड्यूल, इससे कौन सी होती है, इससे पी बीमारी होते हैं, इरफिस इरसिफी, इससे क्या होता है पी बीमारी होती है, मिल्ड्यू ऑफ पी बीमारी, पी बीमारी जिसे हम बोलते हैं वो होती है। इसका राइट आंसर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी होगा, राई का एरगोट। राई का एरगोट से आज क्लेविसेप्स पर प्यूरिया बीमारी होती है, राई का एरगोट से जो क्लेविसेप्स पर प्यूरिया है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अपघटक वह जीव है जो रासायनिक पदार्थ को जटिल कर देते हैं जिससे उत्तक मर जाते हैं, जीवित जीवों पर कार्य कर कार्बनिक पदार्थ को क्रमबद्ध चरण में सरल कर देते हैं, पौधे और जंतुओं पर आक्रमण कर उन्हें मारते हैं, या फिर यह रिले प्रकार से कार्य करते हैं और कार्बनिक पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से सरलीकृत करते हैं। बताइएगा। ए बी सी या फिर डी। देखो मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, तब तक का आपको पार्ट टाइम मिल जाता है, सभी ऑप्शंस तो पढ़ के सुना देता हूँ, तो इतना टाइम मत लीजिए, क्विक डिसीजन लेना सीखिए ताकि आपका टाइम बचे। देन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये रिले प्रकार से कार्य करते हैं और कार्बनिक पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से सरलीकृत करते हैं, ठीक है। अपघटक वो जीव है जो कि जो मृत जीव होते हैं, डेड जीव्स होते हैं ना, उनके शरीर के जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सरल पदार्थ में बदलते हैं। जैसे उनका शरीर है उसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, उन जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं, कौन, अपघटक। नेक्स्ट, माइकोराइजा प्रदर्शित करता है एंटागोनिज्म, एंटेमिज्म, सहजीविता, या फिर परजीविता। सबसे पहले तो मैं बता दूं, माइकोराइजा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं इक्टो, एक तो होते हैं इक्टो और दूसरा एंडोमाइकोराइजा। इक्टो और एंडोमाइकोराइजा 2 प्रकार के माइकोराइजा होते हैं, और माइकोराइजा प्रदर्शित क्या करता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये प्रदर्शित करता है सहजीविता को, किसको, सहजीविता को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवशोषी विषम पोषी पोषण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, या फिर टेरिडोफाइटा। अवशोषी विषम पोषी पोषण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कवक।
कवक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कवक जो होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं। कौन से होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं कवक। क्या होता है कि मृत और जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ है ना, ये उन्हीं में वृद्धि करते हैं कवक। ठीक है, तो अवशोषी विषमपोषी पोषण किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा होता है। बाहरी माध्यम से एंजाइम एंजाइम जो है वो इसमें स्त्रावित होता है और वहीं से इसका पाचन होता है। नेक्स्ट है कि वायराइडों की विजय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये विजय नहीं है, विषय आएगा शायद। नंबर 1, उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है। उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए होता है। उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डीएनए होता है, या फिर उनमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है, बताइएगा। ए बी सी या फिर डी, कौन सा राइट आंसर होगा बताइएगा। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उनमें प्रोटीन आवरण के बिना जो इंडिपेंडेंट आरएनए है वो होता है। कौन होता है? इंडिपेंडेंट आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। विरोइड विषाणुओं से भिन्न है क्योंकि इनमें बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं, या फिर बिना प्रोटीन मतलब प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं। क्वेश्चंस पिछले वाले से ऑप्शंस पिछले वाले सेम ही है। विरोइड, या फिर हमें इसे वायराइड भी बोलते हैं। विरोइड या फिर वायराइड्स एक ही बात है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिना प्रोटीन आवरण के इसमें आरएनए अणु होते हैं। आरएनए अणु होते हैं वो भी बिना प्रोटीन आवरण के। नेक्स्ट है आपका कुंडलित आरएनए रज्जुक और पेटी का शांक निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है? पोलियो विषाणु, तंबाकू मोजेक विषाणु, खसरा विषाणु, या फिर पशच विषाणु। ए बी सी या फिर डी, यानी इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, तंबाकू मोजेक विषाणु। तंबाकू मोजेक विषाणु इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोबैको मोजेक वायरस जिसे बोलते हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विषाणुओं में क्या होता है? प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए, प्राककेंद्रीय केंद्रक, एकल गुणसूत्र, या फिर डीएनए और आरएनए दोनों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन आवरण में परिबद्ध डीएनए। क्या होगा? प्रोटीन आवरण में परिबद्ध क्या होता है? डीएनए होता है। किसमें? विषाणुओं में। किसमें होता है? विषाणुओं में। नेक्स्ट है आपका वायरसों के विषय में कौन सा एक कथन गलत है? सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, ठीक है? सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे ही क्लासेस का अपडेट हो वो आपको मिलता रहे। राइट आंसर क्या होगा इसमें? गलत बताया गया है। इन सभी में कुंडलनीय सममिति होती है। गलत कथन पूछा था तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन सभी में कुंडलनीय सममिति होती है तो ये गलत होगा। ये कुंडलनीय सममिति इनमें जो है वो नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक बीजाणु बोशी का चित्र दिया गया है, भोजी का चित्र दिया गया है, और एक ए बी सी डी आपको दिए गए हैं इसके सामने। यहाँ पर बताना है ए की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, सी की जगह क्या आएगा, और डी की जगह क्या आएगा। इनको बोलते क्या है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लीजिए प्रॉपर जितना आपको चाहिए।
उसके बाद आंसर कीजिएगा। मेरे को चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। ठीक है, क्या करते हैं आंसर देखते हैं। सबसे पहले ए को हम क्या बोलेंगे, ए को हम क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे हम शीर्ष। शीर्ष किसी में है, सिर्फ एक में है, डी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको शीर्ष बोलेंगे, बी को हम आच्छद बोलेंगे, सी को हम बोलेंगे कॉलर, इसको हम बोलेंगे आच्छद, और डी को हम बोलेंगे पुच्छ तंतु। अगर आपके पास पुच्छ तंतु भी होता तो आपके दो तो वैसे ही कट हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है, कैपिसट, वायरियन, न्यूक्लियो प्रोटीन या फिर क्रॉड। वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है, क्या ना क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड होते हैं वो किसके बने होते हैं, सब यूनिटों के बने होते हैं, सब यूनिटों के बने होते हैं, और इन सब यूनिटों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संक्रमक प्रोटीनें किन में होती है, जेमिनी वायरसों में, प्रायोन्स में, वायरॉइड में या फिर अनुषंगी वायरसों में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, प्रायोन्स में। संक्रमक प्रोटीनें किन में होती हैं, प्रायोन्स में होती है, और ये जो प्रायोन्स है ना, ये भेड़ों में जो स्क्रैपी बीमारी होती है, किन में, भेड़ों में, भेड़ों में जो स्क्रैपी बीमारी होती है, स्क्रैपाई, स्क्रैपाई, उनको उत्पन्न करने वाला कारक है प्रायोन्स। प्रायोन्स वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित कर उन उसमें गुणन तथा लाइसिस करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लाइसोजाइम, लाइपोलिटिक, लाइटिक या फिर लाइसोजेनिक, ए बी सी या फिर डी। ए बी सी या फिर डी, राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लाइटिक। वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित कर उसमें गुणन तथा लाइसिस करते हैं, उन्हें लाइटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन सा कथन रिट्रोवायरस के लिए सही नहीं है, रिट्रोवायरस के जीवन की किसी भी अवस्था में डीएनए उपस्थित नहीं रहता है, रिट्रोवायरस में आरएनए आरक्षित डीएनए पॉलीमरेज के जीन होते हैं, परिपक्व रिट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, या फिर रिट्रोवायरस विशेष प्रकार के कैंसर का एजेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिट्रोवायरस के जीवन की किसी भी अवस्था में डीएनए उपस्थित नहीं रहता। ठीक है, रिट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, लेकिन पोषद जो होता है, पोषद जो होता है उसके अंदर आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। किस मेथड से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उससे क्या होता है, उससे आरएनए से डीएनए बनता है। तो रिट्रोवायरस के जीवन की किसी भी अवस्था में डीएनए उपस्थित बिल्कुल नहीं रहता, इसका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए ही होता है, लेकिन पोषक के अंदर क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड से। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, विषाणु के संबंध में कौन सा कथन सही है? विषाणु के न्यूक्लिक अमल को कैप्सिड कहा जाता है। विषाणु को अपना उपापचय तंत्र होता है। सभी विषाणु में आरएनए तथा डीएनए दोनों होते हैं, या फिर विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। सबसे पहले जो विषाणु जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, ये सब आपको पता होगा। होता क्या है कि जीवित कोशिका जो होती है उसके अंदर ये एक्टिव होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं और जीवित कोशिका के अंदर ये एक्टिव होते हैं। कौन सा कथन सही पूछा गया? तो ऑप्शन नंबर डी, विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, ये बिल्कुल सही है। सभी विषाणु में आरएनए तथा डीएनए दोनों होते हैं, गलत। विषाणु का अपना उपापचय तंत्र होता है, गलत। विषाणु के न्यूक्लिक अमल को कैप्सिड कहा जाता है, वो भी गलत। ठीक है, इसका कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक जो अमल है उसको कैप्सिड नहीं कहा जाता, और ये अनुवांशिक पदार्थ को घेरे रहता है। कौन? कैप्सिड। नेक्स्ट, टोबैको मोजेक वायरस नलिका रूपी तंतुवत होता है, इसका आकार बताना है आपको। टोबैको मोजेक वायरस का आकार बताना है आपको, क्या हुआ? पहला आपका, पहली आपकी लंबाई है और दूसरा आपका व्यास है, तो कितनी लंबाई और कितना व्यास होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, 300 मीटर तो लंबाई होती है और 10 mm इसका व्यास होता है, सॉरी 300 mm इसकी लंबाई होती है और 20 mm इसका व्यास होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विषाणु से गुणसूत्र निकालने पर यह जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों को वृद्धि तथा गुणन के लिए कोशिका के जीव द्रव्य की आवश्यकता होती है। उन्हें जरूरत होती है दोनों आरएनए या डीएनए की, उन दोनों को भोज्य अणुओं की आवश्यकता होती है, या फिर उन दोनों को ऑक्सीजन की आवश्यकता श्वसन के लिए होती है। ए, बी, सी या फिर डी? विषाणु से गुणसूत्र अगर निकाल लिए जाएं तो ये जीवित नहीं रह सकता। इसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको बताना है। द रीजन ये है कि दोनों को वृद्धि और गुणन के लिए कोशिका के जीव द्रव्य की आवश्यकता होती है, इसीलिए अगर विषाणु से गुणसूत्र निकाल लिया जाए तो ये जीवित नहीं रह सकता। नेक्स्ट है, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें दो, चलो छोड़ो, अब मैंने दो बोल दिया तो एक वाले को तो काट ही दो। तो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में दो धागे की डीएनए पाई जाती है, दो धागे वाला डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इंटरफेरॉन्स का संश्लेषण किसके विरुद्ध होता है? माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, विषाणु या फिर कवक? इंटरफेरॉन्स का संश्लेषण किसके विरुद्ध होता है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, विषाणु। इंटरफेरॉन्स का संश्लेषण किसके विरुद्ध होता है? विषाणु के विरुद्ध। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, किनमें अनुपस्थित होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, विषाणु, शैवाल या फिर कवक? किनमें एंजाइम नहीं होते? तो किसमें नहीं होते? विषाणु में। विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि ये अपनी जो वृद्धि होती है उसके लिए जो पोषक की उपापचय यांत्रिकी है, मशीनरी जो है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये रहे आज की 20 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहा उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सिर्फ 16 क्वेश्चंस बचे हैं इस पूरे टॉपिक के, हमारे टॉपिक क्या, इस पूरे चैप्टर के, जीव जगत के वर्गीकरण के, तो वो हम कल के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। कल तो संडे है, तो मंडे को हम ये जो 16 क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाकी आज का सेशन कैसा लगा उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी
बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ रेस्ट।